सोच रही हूँ कि चाय पर एक किताब लिखूँ जो नहीं पीते उन्हें कम बखत और खाना ख़राब लिखूँ वैसे भी वो दोस्त जो चाय नहीं पीते बिल्कुल खजाने की तरह होते हैं दिल करता है कि इनको ज़मीन में ही गाड़ दूँ और वैसे भी दिल जर्फ और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए दौरे हाजिर में दुनिया का आठवां अजूबा वो शख्स होगा जो कहेगा कि मैं नाश्ते में चाय नहीं लेता क्योंकि कड़क चाय और खालस मोहब्बत कम जरफ़ों के लिए तो वैसे भी नहीं होती लफ्ज़ चाय मतलब आराम सकून तसली दवाई उम्मीद प्रोटीन वाइटमिन ज़िंदगी दोस्ती प्यार मोहब्बत बरसात का मौसम ज़िंदगी का हर एक रंग राहत हरारत बहार खजा और मैं आपको क्या क्या बताऊं? जिन्हें मेरी इन बातों पर एतराज़ है उनके लिए अर्ज़ है आंखें मजनू की हों तो चाय भी लेना नज़र आती है वैसे भी आँखें खोलने के लिए चाय दुनिया की दूसरी बेहतरीन चीज़ है जी हाँ धोखा अभी भी पहले नंबर पर है हम सबका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो चाय के लिए कुछ भी कर सकता है आइए आपको अपने एक दोस्त से मिलवाती हूँ जो कहते हैं कि लोगों को महबूब चाहिए और मुझे गर्म चाय जो मैं बड़ी हसरत से पीता हूँ कम बहत कसरत से पीता हूँ सुबह उठता हूँ तो चाय पीता हूँ नाश्ते के बाद चाय पीता हूँ लंच के बाद चाय पीता हूँ शाम को चाय पीता हूँ सर दर्द हो तो चाय पीता हूँ पेट में दर्द हो तो चाय पीता हूँ थक जाता हूँ तो चाय पीता हूँ सर्दी लगी तो चाय पीता हूँ गर्मियों में प्यास से बचने के लिए भी चाय पीता हूँ नींद से बचने के लिए चाय पीता हूँ पढ़ने के लिए चाय पीता हूँ मेहमानों के साथ पीता हूँ और जहाँ भी मुफ्त मिल जाए चाय पी लेता हूँ इन्हीं के बकौल पाकिस्तान नया हो या पुराना हम चाय पीना नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ हर मर्ज़ की दवा चाय है वैसे भी चाय दुनिया की वो वाहिद बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ चाय है मजीद फरमाते हैं सिर्फ चाय चाय नहीं है दवा है दुख की दर्द की मोहब्बत की क्योंकि चाय से अच्छा कोई नहीं है उन्होंने नज़र का चश्मा लगा कर देखा है मैंने पूछा आप चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हैं तो मौसू बोले एक दफ़ा तो लड़की देखने की हद तक चला गया था कहते हैं मेरी सालों की तहकीक से साबित हुआ है कि चाय में बिस्किट डुबोकर खाने से चाय की मकदार में मुसलसल कमी होती है और आप उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो अगर आपका बिस्किट चाय में गिर जाए तो हमेशा मायूसी ही होगी मैंने पूछा आपके नज़दीक सबरी जमील क्या है तो जवाब मिला खामोशी से अपनी चाय किसी दूसरे को दे देना साथ साथ मज़ीद फरमाते हैं कि गरीब लोगों की हाय फारिक लोगों की राय और मेरे हिस्से की चाय कभी नहीं लीजिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा कहते हैं कि हर एक चीज़ हद में अच्छी लगती है लेकिन सिर्फ एक चाय ही है जो बेहद अच्छी लगती है और मेरे हाथों की चाय आय हाय मैंने पूछा इसमें ऐसा क्या है तो कहते हैं चाहत से बनाइए और इसको जोश दिलाइए आपके होश उड़ा देगी मोहब्बत से ये होठों को चूमती है और अगर आप महसूस करें तो चाय भी बोलती है कहते हैं चाय पीने वाले सब मेरे ही जैसे होते हैं प्यारे दिल अफरोज़ मुनफरद और सादगी पसंद और तो और मुझे लोग भी चाय जैसे ही पसंद हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा मीठे और ना ज़रूरत से ज़्यादा फीके मैंने पूछा चाय फ़ायदा देती है या नुकसान तो कहते हैं कि कोई पिला दे तो फ़ायदा और अगर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान पूरी ज़िंदगी में इन तीन जुमलों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है तुम्हारी चाय कोई और पी गया तुम्हारे लिए तो हमने चाय ही नहीं बनाई और चाय की पत्ती वो तो ख़त्म हो गई है वैसे भी हर दुखी शख्स मोहब्बत का मारा नहीं होता हो सकता है कि उसकी चाय कोई और पी गया हो आखिर में वो लड़कियों को ये मशवरा देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी गोल रोटी और अच्छी चाय मत बनाइएगा वरना हमेशा आपको ही बनानी पड़ेगी